सियासतदानों देख लो, ये कश्मीर है, नया कश्मीर है। धरती का स्वर कहे जाने वाले जिस कश्मीर को 5 साल पहले तक आतंकवाद की धरती के रूप में देखा जाता था, जिस कश्मीर में लोग जाने से डरते थे, जिस कश्मीर में नेता रैली करने से डरते थे, जहां कभी राजनीतिक रैलियों में 5-10 हजार से ज्यादा की भीड़ नहीं जुटती थी, उस कश्मीर का नया रूप देख रहा है देश। श्रीनगर बख्शी स्टेडियम में प्रधानमंत्री की रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कैसे बदल गया है कश्मीर, कैसे कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने के साथ ही बदलाव की फिजा दिखाई दे रही है, आज हमारे इस खास शो में बदले हुए कश्मीर की तस्वीर देखिए। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की ऐसी तस्वीर सालों बाद दिखी है। कश्मीर घाटी में जन भावनाओं का ऐसा सैलाब दशकों बाद दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंचे तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जिस कश्मीर घाटी को स्वार्थी राजनेता पत्थरबाजों की धरती कहते थे, उस कश्मीर घाटी ने देश के प्रधानमंत्री के स्वागत में पलक पांवरे बिछा दिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी के लोगों का दिल जीतने की हर कोशिश की है और इस कोशिश में वो कामयाब दिख रहे हैं। कश्मीर घाटी की इन महिलाओं को सुनेंगे तो आपको हमारी ये बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है कि आज मोदी सरकार यहाँ आ रहे हैं कि बहुत फील खुश फील हो रहा है हमें। पहले दिन से सदारत संभालने से पहले यहाँ आए और जो वादे किए वो पूरे किए, वो जम्मू के हमने उनके आने पे सारा समझा कि जो जो उन्होंने उस टाइम पे वादे किए थे वो पूरे किए। इस बार फिर जब भी वो आते हैं हमेशा वेलफेयर के लिए ही होता है, कश्मीरियत के लिए होता है। तो आज मैं ये जो बदला खूबसूरत से समा देख रही हूँ उनके वेलकम के लिए, ये एक बदलाव है, ये एक्सेप्टेंस है डेवलपमेंट की, पीस की, पूरे जम्मू कश्मीर की। एक्सपेक्टेशन करेंगे जो आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आए नहीं आए, लेकिन दिल्ली से भी उनके दिल के करीब जम्मू कश्मीर ही रहता है। तो वहाँ से भी जितने भी कार्य हैं जम्मू कश्मीर के लिए, भले के लिए, वो वहाँ से भी होते हैं। बट ये खुशी है, ये हमारी खुशनसीबी है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद यहाँ आज आ रहे हैं। मोदी साहब ने बहुत अच्छे काम किए और हमारे भलाई के लिए, गरीब लोगों के भलाई के लिए बहुत अच्छे साबित हुए। तो आइंदा भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए अच्छा ही काम करेंगे। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने दिए हमें और बहुत से हमारे गरीब लोगों के लिए घर वगैरह दिए, बहुत अच्छी स्कीमें उन्होंने चलाई हैं जो हमारी गरीब आवाम के लिए बहुत अच्छी रही है। औरतों के बारे में भी कुछ किया जा रहा है? औरतों के बारे में बहुत अच्छी स्कीमें हैं, जैसे हमारी कुछ महिला मंडल बनाए गए हैं और उनके साथ ऐसे ग्रुप हैं जिनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम रखी हुई है, इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, खासकर गरीब लोगों को और गरीब औरतों को। जम्मू कश्मीर से 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया तो विपक्ष के नेताओं ने डराया कि अब कश्मीर घाटी में खून खराबा मच जाएगा। महबूबा मुफ्ती जैसे नेता कहने लगे कि कश्मीरियों का हक छिन जाएगा, हालात और बिगड़ेंगे, लेकिन इसके पीछे कश्मीरियों की चिंता कम, जम्मू कश्मीर की सियासत करने वाले चंद परिवारों को अपनी चिंता थी। प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के इस कमजोर नस को जानते थे। श्रीनगर की रैली में उन्होंने फिर इस कमजोर नस पर हमला बोला। दशकों तक सियासी फायदे के लिए कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया।
देश को गुमराह किया। 370 से फायदा जम्मू कश्मीर को था या कुछ राजनीतिक परिवार, वही इसका लाभ उठा रहे थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ये सच्चाई जान चुकी है कि उनको गुमराह किया गया था कुछ परिवारों के फायदे के लिए। जम्मू कश्मीर को जंजीरों में जकड़ दिया गया। आज 370 नहीं है, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं के प्रतिभा का पूरा सम्मान हो रहा है, उन्हें नए अवसर मिल रहे हैं। कश्मीर घाटी के लोगों ने श्रीनगर में जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया है, उससे विपक्ष के तमाम नेताओं के होश उड़ गए होंगे, उनकी बोलती बंद हो गई होगी। कश्मीर के लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। जहां कभी खौफ का मंजर रहता था, वहां आज मोदी के जयकारे लग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को 6400 करोड़ रुपए की 54 योजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री श्रीनगर पहुंचे तो वहां उन्होंने शंकराचार्य हिल्स के दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये तस्वीर ट्वीट की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली की। पूरा श्रीनगर तिरंगा और भगवा कलर के झंडों से पट गया। रैली में घाटी के बारामुल्ला, बांदीपोरा, उरी समेत दूर दूर से लोग पहुंचे। लोग मोदी का मुखौटा लगाए हुए थे और मोदी तुझ पर जान निसार, हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे नारे लगा रहे थे। रैली में आए कई लोगों की टोपी पर आई लव मोदी लिखा था। स्टेडियम के अंदर और बाहर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी शामिल हुए। 2023 में KVIC के डिपार्टमेंट में सर मैंने वहां पे एक सेल्फी ली थी, सेल्फी विद मोदी जी। मगर आज मुझे जी चाहता है कि सर उस सपने को भी मैं स्वीकार करूं, उसको भी पूरा कर सकूं। जरूर मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा। मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की और आपने हर चुनौतियों को चुनौती देते हुए डट करके सामना करते हुए आप प्रगति कर रहे हैं। आप देश के नौजवानों को दिशा दे रहे हैं, वरना वो इंतजार करके बैठता है मेरे पास कुछ नहीं है। आपने इंतजार नहीं किया, आपने छोटी सी शुरुआत की और आप आज देश की ताकत बन रहे हैं। जिसे मौका मिला उसने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी ली। प्रधानमंत्री ने कई चुनिंदा लोगों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के युवा उद्यमियों से बातचीत की, उनकी समस्याएं सुनी। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में जुटी भीड़ का अभिनंदन किया, कश्मीर से अपना लगाव बताया और कहा कि वो जम्मू कश्मीर के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ और मैं दिनों दिन देख रहा हूँ कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में, सही दिशा में जा रहा हूँ। आपका दिल मैं जीत पाया हूँ और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सुज गारंटी। सियासी नुक्ताविद मुक्ता में हमारा मकसद प्रधानमंत्री का गुणगान करना नहीं है, लेकिन इस हकीकत को देखने के बाद कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की फिजा कैसे बदल रही है, कश्मीरियत की फिजा में कैसे विकास की खुशबू घुल रही है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर घाटी में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, लेकिन आतंकवाद का लंबा दौर झेल चुकी कश्मीर घाटी ने पिछले 15-20 सालों में बहुत कुछ खोया है। कश्मीर में रोजगार का संकट हमेशा से सियासतदानों को परेशान करता रहा है। हालात पूरी तरह तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे बदल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 4-5 साल में पर्यटन ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले साल यानी 2023 में 21 लाख सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जो अभी तक का रिकॉर्ड है।
अभी कुछ दिनों पहले आपने सचिन तेंदुलकर की परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने की तस्वीर देखी ही होगी। श्रीनगर के अलावा गुलमर्ग, सोनमर्ग में पिछले साल रिकॉर्ड सैलानी पहुंचे। कश्मीर घाटी को धरती का जन्नत कहा जाता है, लेकिन इस जन्नत को सियासतदानों की नजर लग गई थी। पड़ोसी देश कश्मीरियों को भड़काता था, अब भी भड़काता रहता है, जिससे कश्मीर से अक्सर बुरे समाचार ही मिलते थे। कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तस्वीरें सभी देशवासियों को सुकून देने वाली है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश के एक बड़े हिस्से का दिल जीतना अपनी जगह। जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है, ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है, इसको सियासतदान अब मानने भी लगे हैं, समझने भी लगे हैं। सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी दूसरे सियासी मुद्दे का करेंगे विश्लेषण। तब तक के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।